होलिका दहन अनुष्ठान की उत्पत्ति और प्रथाओं का अनावरण। होलिका दहन भारत के विविध त्योहारों में से एक प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं का समर्पण है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसे मनाने की प्रथा होली के एक दिन पहले होती है। होलिका दहन के दिन लोग एक विशेष पूजा करते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कथा के अनुसार प्रह्लाद एक भक्त को उसके पिता हिरण्यकश्यप और चाची होलिका द्वारा दहन किया जाता है, परंतु विश्वास और भक्ति के बाल पर प्रह्लाद बाग जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे भक्ति और सच्चाई की शक्ति सबसे बड़े संकट को भी परजीत कर सकती है। होलिका दहन यही संदेश देता है। सामूहिक रूप से लोग गन्ने के अपल और लकड़ियों को एकत्रित करके होलिका का दहन करते हैं। इसमें बुराई को जलकर अच्छाई को अपनाने का संदेश छुपा होता है। इस अवसर पर लोग घरों से बाहर निकलकर संगठित होकर गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है। ये समारोह भाईचारा और उत्साह को बढ़ावा देता है। इस प्रथा में लोग पुराने समन को भी जलाते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े या घर की पुरानी चीजें, जो नए आरंभ का प्रतीक है। होलिका दहन के अगले दिन होली रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और पानी डालते हैं, भूल जाते हैं सभी गिले शिकवे। इस प्रकार होलिका दहन एक ऐसा पर्व है जो न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, बल्कि समाज में एकता और प्रेम को भी बढ़ावा देता है।